सारा सारा फलक इनकी शादी और वलीमे की जो पिक्चर्स हैं इनके हवाले से बताइए। वैसे दोनों दिन पे बहुत प्यारी लग रही थी। इसका मेकअप जो था वो पहले दिन पे तो थोड़ा बड़ा काजल वाली आंखें उसकी थी, यू नो लाइक जो इसमें बड़ा सूट करती हैं। हाँ, क्योंकि इसकी अम्मी शायद लेबनीज थी, तो जो लेबनीज के कॉम्प्लेक्शन होते हैं वो बहुत प्यारे कॉम्प्लेक्शन होते हैं, साथ उनके बाल काले होते हैं, तो सारा की जो खूबसूरती है वो यही है, उसका कॉम्प्लेक्शन लेबनीज अम्मा की वजह से उसको वो कॉम्प्लेक्शन मिला है और उसके काले बाल, तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना उसकी, और उससे बहुत अच्छा खेला है काजल ने, वो जो इसने काजल वाली आंखें रखी है, बहुत शार्प आंखें, वो बहुत सूट कर रही है। और आई वुड से कि मैं सिर्फ शायद थोड़ी सी हैवी लैशेस लगा लेती। अच्छा, वो और ज्यादा अरेबिक दुबई वाली ब्राइड, मतलब लाइनर शाइनर नहीं उसको एक्स्ट्रा देती, लेकिन सिर्फ लैशेस थोड़ी सी हैवी लगा लेती, तो वो थोड़ी सी आंखें और खुली खुली सी लगती। एक एक दिन के लिए, इस दिन तो अच्छा है इसका, अभी खैर आंखें नीचे हैं तो नजर नहीं आ रहा। कलर एक दिन ब्राइट हो सकता था, दोनों दिन बहुत लाइट है दोनों दिन। एंड ऑल्सो बरात वाला जो हेडू है वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। और टीका बड़ा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, टीका तो सही है, लेकिन वो दोनों दिन फ्लैट है और बरात वाला हेडू इज जस्ट नॉट क्लिकिंग। अच्छा, थोड़ा सा इट कुड हैव बीन लाइक समथिंग, मे बी द दुपट्टा वाज द बॉर्डर इज वेरी हैवी आल्सो, हां बॉर्डर, सो मे बी दैट्स, नहीं थोड़ा सा अगर इसी साइड पार्टिंग को थोड़ी सी बॉडी देके थोड़ा सा उठा लिफ्ट कर देते ना तो थोड़ा सा और प्यारा लगता। साइड पार्टिंग नहीं है भाई, जैसे नादिया ने कहा कि मैं लैशेस लगाती हूं, ठीक है, आप क्या करती बिनेश? मैं उसका हेड हूँ, मुझे थोड़ा सा लिफ्टेड करके साइड में देती भाई। वो जो ये मॉडल है जो झूला झूल रही है, खुदा के लिए झूला नहीं, मैं बस घर जाके कुर्सी बहुत चूचू हो रही है, बहुत कुर्सी ऑयल डालो कुर्सी में। मैं इनका हेड हूँ जो शादी वाले दिन का है, ओवरऑल मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट अगेन शादी वाले दिन लैशेज ऐड करने की जरूरत है, और जो बहुत फ्लैट साइड की मांग कर रही है उसको थोड़ा सा अगर उठा के पफी वाला साइड की मांग होती तो वो और ज्यादा खूबसूरत। आप एनजी, आप क्या जी? मैं लिपस्टिक इनकी डार्क करती, लिपस्टिक डार्क, थोड़ा सा ब्राइट करती। लाइन भाई, नेक्स्ट सेलिब्रिटी दिखाइए कौन है। हाँ, 4 मिनट है भाई, 4 मिनट में आपने दोनों मेकअप को फिनिश लुक देनी है ताकि मैं मेकअप दिखा सकूं। ओके जी, इकरा अजीज का, इकरा यासिर हुसैन का मेकअप ब्राइडल एंड वलीमा। वलीमा इनका बहुत सादगी से हुआ था सिर्फ। अच्छा, वलीमा में मैं इनको कोई और लिपस्टिक जरूर, कलर जरूर कोई और देती, मतलब तो दोनों दिन में बहुत ही लाइट कलर था। हाँ, क्योंकि शादी के दिन इनका आउटफिट इतना ओवरपावरिंग इनका कलर था, ओवरऑल प्योर रेड था इनका, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं था, सिर्फ रेड के साथ था, तो लाइट कलर वाज परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये इसका आइडिया बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इकरा की हाइट है छोटी, उसने अपने आप को कलर्स में डिवाइड नहीं किया। ये हमारी जो थोड़ी छोटी हाइट की दुल्हन है वो गलत करती है, जो उनकी जो चोली है वो दूसरे कलर की होती है, शरारा दूसरे कलर का होता है, तो उनकी हाइट और छोटी लगती है। तुम बता सकती हो मुझे इस बारे में? बिल्कुल विनेश। हाँ बिल्कुल, वन कलर है। मैं तो अपनी रियल लाइफ में भी ये मसले जो है वो फेस करके, इस बारे में हाइट छोटी है। हाँ, कपड़ों में बहुत मसले होते हैं जब आपकी हाइट छोटी होती है, जितना आप वन सॉलिड कलर में खेलते हैं आप उतने टॉल लगते हैं। यस, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट। तो मुझे लगता है इकरा को किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। हाँ जी, कि आप पूरा वन कलर रखें तो उसकी वजह से आप थोड़ी सी टॉल लगेंगी। या ये वाली बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन शादी के मेकअप में कुछ चेंज करेंगे आप? अच्छा देखो, हाँ मेकअप में नहीं, मेकअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगेन ये तस्वीर में इतना नहीं, क्योंकि इसकी आंखें और ज्यादा काली थी, मुझे यू नो अंडर आई काजल, अंडर आई पे भी काफी डिफाइंड था, इसमें इतना नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो मुझे इसकी इसका जो मुझे अच्छा लग रहा है वो उसका गला। हाँ, इतना इसका प्यारा गला है, क्योंकि इसने अब दो दो सेट पहने हुए हैं, लेकिन जिसका एमन ने पहना हुआ है वो दूसरा सेट उसके कपड़ों पे आ रहा था,
वो अच्छा नहीं लग रहा था। कपड़ों पे नहीं आनी चाहिए, देखिए ज्वेलरी ज्वेलरी आपके गले पे, आपकी बॉडी नजर आनी चाहिए जी। अगर मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने गुलूबंद पहना है, नहीं वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग। अगर मैं दूसरा पहन लेती तो बुरा लगता, और अगर छोटा बड़ा गला छोटा इससे बड़ा होता वो बुरा लगता, इससे बड़ा वाला बुरा लगता। और अगर गला छोटा हो तो फिर आपको लंबा हार पहनना चाहिए। और आप एक चोकर नुमा पहने, साथ में आप लंबा पहने, लेकिन दो गले के जो वो बैक टू बैक नेकलेस टाइप जो होते हैं, माला एक अलग चीज होती है, चोकर अलग होता है, नेकलेस अलग होता है, ठीक है ना। तो आप चोकर के साथ नेकलेस उस वक्त पहने अगर आपका गला जो है वो बड़ा है, लेकिन बड़ा मतलब ये नहीं कि यहाँ तक आया हुआ, लेकिन ये कि नॉर्मल जो एक लेकिन ऊंचा ना हो गला। लेकिन वो ये कह रही है कि अगर आपका गला छोटा है तो बजाय चोकर पहनने के लंबा हार पहन ले, वो चलेगा। इतना लंबे लंबे नहीं हार होते, आप छोटा चोकर पहन सकते हैं। अच्छा, छोटा बिल्कुल, वो जो नेक वाला है, लेकिन यू नो उस किस्म का आप जरूर पहन सकते हैं, और आप साथ में कोई लंबी चीज पहने। लेकिन मैंने अपनी शादी पे ऐसे किया था, मेरे पास कोई चौड़ा चोकर नहीं था, तो मैंने एक बहुत बारीक सा गोल्ड का हार था, एक वो लिया, उससे चौड़ा थोड़ा सा चोकर था जरा सा, मैंने उन दोनों को मिला के चोकर बनाया और एक लंबा हार पहना था, तो वो बड़ा मजे का लुक दे रहा था, मुझे याद आ गया। बस 10 फरवरी से पहले अपने ARY लगुना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा? और हर फॉर्म पे 1,00,000 डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे ARY लगुना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1,00,000 रुपए, और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगुना, ये है कराची।